विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी क्लास 10th में मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम में बड़ा मैं ऑलरेडी स्टैटिक्स चैप्टर चला रहा था, जिसके अंदर बड़ा आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की बोर्ड, यानी बोर्ड एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो इसे आप अच्छी तरीके से रेडी करना। डन। सबसे पहले बड़ा हमारे पास तो टेक्स्ट बुक नहीं, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो आप लोग निकाल कर रखो, क्योंकि मेरे पास एक रेफरेंस बुक है, मैं उस रेफरेंस बुक से आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं। डन। चलिए, तो बड़ा यहां पर क्वेश्चन ये रहा। द टेबल फॉलो मी शो डेली एक्सपेंडिचर ऑन फीड 25 हाउस होल्ड इन लोकलिटी। फिर लिखा है फाइंड द मीन डेली एक्सपेंड फूड बाय द सुटेबल मेथड। यहां पर आपको क्या करना है बेटा, मीन फाइंड आउट करना है। चलिए बेटा, सबसे पहले हम लोग क्लास और फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। तो क्लास और फ्रीक्वेंसी लिख दिया, और अलग से आपको 3 कॉलम रेडी करना रहेगा। डन। चलिए, सबसे पहले हम लोग बेटा एक्साई कैसे निकालेंगे, मैंने आपको सिखाया था, एक बार फिर से बता देता हूँ बेटा। ये जो क्लास है इन दोनों को ऐड करूं, तो 100 प्लस 150, तो 0 और यहां पर 5, यहां पर 2, कितना है बड़ा, 250 डिवाइडेड बाय 2। हमेशा डिवाइडेड बाय 2 ही करना बड़ा। चलिए, इसका हाफ करो बड़ा, तो हाफ करोगे कितना आएगा बड़ा, जल्दी बोलो। तो इसका आंसर आएगा 125 आएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख दो बड़ा 125। कितनी कितनी का डिस्टेंस बड़ा, 100 से 150, 150 से 200, यानी 50-50 का क्या है डिस्टेंस है। तो बड़ा 125 में 15 को ऐड करेंगे तो 175, 175 में 15 ऐड करो बड़ा तो 225, इसमें 15 ऐड करो तो 275, इसमें 15 ऐड करो तो आएगा 325 आएगा। बोलो यहां तक क्लियर। अब आपको ए अज्यूम करने था, तो ए कैसे अज्यूम करेंगे बड़ा, तो ए अज्यूम करने बड़ा जो मिडल वैल्यू होगी वो, तो इसमें से मिडल वैल्यू कौन सी है, तो मिडल वैल्यू बड़ा ये है, इसको बोलेंगे ए। और जिसको तुम ए मानो बड़ा, उसके सामने आपको लिखना है 0 -1 -2 1 और 2। डन। अब क्या करना बड़ा, ये एफ आई और यू आई का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई करना कितना आएगा बड़ा, 8। 5 और 1 का मल्टीप्लाई करना कितना आएगा, 5। यहां पर 0, यहां पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। डन। अब क्या करना पड़ा, 8 और 5 को ऐड करो, पहले 8 और 5 को ऐड करो, तो 8 के बाद क्या आएगा, 9 10 11 12 13, तो यहां पर आएगा 13। और 4 और 2 को ऐड करो बड़ा, कितना आएगा, 6। डन। क्लियर। चलिए, अब क्या करना पड़ा, तो माइनस का 13 प्लस 6, तो बड़ा माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो बड़ा यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बड़ा, तो यहां पर वैल्यू आएगी -7। क्यों -7 आएगा, क्योंकि बिग वैल्यू के आगे माइनस की साइन है, इसलिए यहां पर माइनस आएगा। अब क्या करना, ये जो एफ आई लिखा है बड़ा, इसका फ्रीक्वेंसी, इसका टोटल मारो, इसका टोटल मारो कितना आएगा बड़ा, 25 आएगा। बोलो क्लियर यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फॉर्मूला लिखते बड़ा, फॉर्मूला तो सभी को आता होगा, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच बड़ा, ए ए कितना लिखा, ये फिर सिग्मा एफ आई यू आई फिर सिग्मा एफ आई फिर एच। चलिए, ए किसको अज्यूम किया बड़ा, ए अज्यूम किया आपने 225। सिग्मा एफ आई यू आई कितने हैं, -7। सिग्मा एफ आई कितना है, 25। एच कितने का डिस्टेंस है बड़ा, 50 का डिस्टेंस है। चलिए, ए इज इक्वल टू ए कितने बड़ा, 225। एफ आई यू आई कितना है, -7। सिग्मा एफ आई कितना है, 20 मल्टीप्लाई एच कितने का है, 50। डन। चलिए, एक्स इज इक्वल टू यहां पर बड़ा 225, देखो प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा बाबू, तो प्लस माइनस माइनस, तो 7
बाय 25 मल्टीप्लाई 15, फिर एक्स इज इक्वल टू 225 माइनस। अपना 25 और 50 दोनों कट रहा है कि टेबल में, तो 25 वन जा 25, 25 टू जा 15। अब क्या करना है, 7 और 2 का मल्टीप्लाई करो, 7 और 2 का मल्टीप्लाई करो, तो एस इज इक्वल टू 225, 225, 7 और 2 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 14। अब क्या करना है बड़ा, 225 में से लेस करो बड़ा 14, 225 में से लेस करो 14, कितना आएगा जल्दी बोलो, तो 211, इसका क्या आएगा फाइनल आंसर होगा। डन, आई होप, उम्मीद करता हूँ बड़ा, आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी काफी इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो बड़ा, तो इस तरीके से सम्स को आप क्या करो करो, अच्छे से प्रैक्टिस किया करो, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बड़ा होमवर्क लिख लो। तो होमवर्क में बड़ा क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर आपको 7, 8 और 9, ये तीन सम्स आपको क्या करने हैं, होमवर्क में करने हैं। तो बड़ा रिक्वेस्ट यू, होमवर्क कंप्लीट अच्छे से करोगे और जो भी डाउट होगा उसे क्वेश्चन पूछोगे, और बड़ा मैं इसके बाद आपको 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर की वीडियो बनाऊंगा। डन, तो बड़ा अब मैं आप लोगों से कुछ रिव्यू लेना चाहता हूँ, आप लोग मुझे ये बताइए क्या सच में बड़ा आप लोगों के मेरे चैप्टर्स की वीडियोस समझ में आते हैं, सच बोलना बड़ा, ईमानदारी से बोलना, और अगर नहीं समझ में आते तो कहां पर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करना, मैं उसके ऊपर बड़ा वीडियो बनाऊंगा और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। पहले सच बोलना बड़ा, क्या आपके सच में कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आपके सच में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको हर वीडियो इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।